सो हेलो फ्रेंड्स, फिर सबका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक मोबाइल का कॉन्टैक्ट नंबर दूसरे मोबाइल में कैसे शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपने नया मोबाइल ख़रीदा है या फिर आपका मोबाइल खो गया है, आप मोबाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करोगे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर, ऑल कॉन्टैक्ट नंबर कैसे शेयर करोगे, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे दो मोबाइल है और फ्रेंड्स मैं इस मोबाइल का सारा कॉन्टैक्ट नंबर उस मोबाइल में शेयर करूँगी। तो कैसे करूँगी प्रोसेस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको कॉल लॉक्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको कैसे शेयर करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस ऑप्शन में आना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में, तो सिंपली आपको इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटिंग, सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट। तो सिंपली आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शेयर कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको शेयर कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप शेयर कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप किसी के भी थ्रू आप अपने सारे कॉन्टैक्ट को दूसरे मोबाइल में शेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर किसके द्वारा शेयर करूँगी, जो नियर बाय शेयर है ना ऊपर में, उसके द्वारा मैं शेयर करूँगी, यानी कि लोकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं इस वाले पर क्लिक कर लेती हूँ, या जो शेयर वाले का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। आप चाहे तो व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्लूटूथ ऑन कर लेना है अपना, और लोकेशन को भी ऑन कर लेना है, अलाउ कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दूसरा मोबाइल जो है उस मोबाइल में भी आपको इसी ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ये जो है नियर बाय शेयर, इस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे तो आप ब्लूटूथ वाईफाई लोकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे आप ऑन करोगे उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिसीव वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे रिसीव वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस मोबाइल का नाम वहाँ पर आ चुका है, यानी कि मेल का नाम आ चुका है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा इस मोबाइल में। देखिए नीचे यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आया, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ का इस मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सारा उस मोबाइल में लोड हो रहा है, यानी कि शेयर हो रहा है। आप देख सकते हो, और कैसे शेयर होगा मैं लास्ट तक यहाँ पर दिखाऊँगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये शेयर हो चुका है कम्प्लीटली, और यहाँ पर भी दिखा रहा है कि कम्प्लीट शेयर हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। जैसे बैक आओगे और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, देख सकते हो एक भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है, माई फाइल वाले ऑप्शन में सबसे पहले क्लिक करना है, क्योंकि आपने डाउनलोड किया है वहाँ से शेयर करके। तो सिंपली आपको माई फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर में फ्रेंड्स आप देख सकते हो जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर वो आया है। यहाँ पर आपको बोलेगा आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, मेल आई डी पर या फिर डिवाइस पर। तो मैं यहाँ पर अपने मेल आई डी पर सेव करना चाहूँगी, तो मेल आई डी पर मैंने सेव कर दिया है। आप देख रहे हो ये जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है सारा सेव हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आओगे उसके आप जैसे कॉन्टैक्ट फोन कॉल को क्लिक करोगे तो फ्रेंड आप देख सकते हो इस मोबाइल का जितना भी कॉन्टैक्ट है वो सारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी मोबाइल का सारा कॉन्टैक्ट को दूसरे मोबाइल में लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।